ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इसमें बस आप सभी को ना थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, बाकी फोटो हम बहुत अच्छे एडिट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर यहां से नीचे स्क्रॉल करके आप सभी को नीचे ड्रॉ टूल का ऑप्शन दिखेगा, तो आप सभी को सिंपली इस पर क्लिक करके एंड ड्रॉ टूल में चले जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को फिर यहां पे एक लेयर मिलती है जो कि पहले से बनी होती है, तो उसको अभी आप सभी को यहीं पे रहने देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने यहां पे मॉडल को ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने अभी कर लिया है, ठीक है। तो एंड जाओ गाइस मॉडल आप सभी का मून से थोड़ा सा अटैच में होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एकदम बिल्कुल मून के पास नहीं बैठाना आप सभी को, ठीक है। तो जैसे कि मतलब कि मून है जैसे कि, एंड उसमें आप सभी का थोड़ा सा एरिया मतलब पीछे का जो बैक है बस हल्का सा, मतलब ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, शोल्डर तक आना चाहिए, ठीक है, इतना एरिया आना चाहिए मून के पास। एंड बाकी आप सभी का बाकी जो एरिया है यहाँ पे जमीन धरती जो भी है इसके पास आप सभी को यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, वहाँ पे आप सभी को अपने मॉडल को बैठा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को आगे थोड़ी सी जगह दिख रही होगी, आप सभी को उस जगह को छोड़ देना है क्योंकि अब हमें भी यहाँ पे रोज का पीएनजी लगाना है, तो उसके लिए जगह जरूर छोड़ देना, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है, एंड एम्प्टी लेयर को आप सभी को इस मॉडल के नीचे ले जानी है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को इस पर ब्रश पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद स्मूथ ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसका जो ओपेसिटी उसकी 10 रख लेना है, साइज को जो है फुल रख लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को मतलब कि गाइस ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा लेना, अराउंड 14 तक रख देना। एंड उसका फोटो को जूम करें सिंपली आप सभी कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। एंड जो गाइस शेडो जो है हम कभी एक लेयर में नहीं बनाते हैं, तो आप सभी को बता दूं आप थोड़ा शेडो का जो है थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यार एक ही लेयर में जब शेडो बनाते हैं तो यार थोड़ा अजीब सा लगता है, तो एक लेयर बना लेनी है। एंड उस लेयर को आप सभी को मॉडल के ऊपर ही रखना है, एंड उसके बाद ब्रश की जो ओपेसिटी अराउंड 8 तक रखना है, ठीक है, ब्रश की जो ओपेसिटी 8 तक रखना है। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से पेंट करना है जो कि मतलब कि गाइस आपके जो आपने अभी शेडो बनाई उससे और आपका जो बॉडी है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने कमाल की शेडो बना ली है, तो अब यहाँ से हम डिस्कार्ड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे अभी एक रोज़ का पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप सभी को मैंने दे रखा है, तो आप सभी को उसको ले लेना है, एंड सिंपली यहाँ पे ऐड फोटो में जाकर हम पहले उस रोज़ के पीएनजी को ले आएंगे। एंड अब ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हम फोटो को जिस टाइप से जूम करेंगे, एंड फोटो को जो है अपने को जिस टाइप से जूम करके यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, एंड जो बाकी का वेस्ट एरिया है उसको हम यहाँ से इरेज करेंगे। तो सिंपली हम इरेजर टूल पर क्लिक करके हार्डनेस को फुल करके कुछ इस टाइप से हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को वैसे इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को आगे करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे रोज़ का पीएनजी भी लग चुका है हमारा, तो अब यहाँ पे अभी तो हम कर देते हैं डन फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को अब जाना है ऐड फोटो में, एंड मैं आप सभी को एक विग्नाइट का पीएनजी दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो ये तो हम लाइट रूम ऐप भी कर सकते हैं, बट यार आप सभी को मैंने पीएनजी इसलिए दिया है क्योंकि लाइट रूम ऐप में ना काफ़ी लोगों से हो नहीं पाता है, काफ़ी लोग मतलब काफ़ी ऊपर ही ले जाते हैं, तो ये जो है पूरा सेंटर में आप सभी के लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी को ये पीएनजी का यूज़ करना है, बाकी लाइट रूम ऐप में भी कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को बता ही दूंगा। तो कैसे यहाँ पे जो हमारा ये पीएनजी लग चुका है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम डन, ठीक है। तो कैसे देखिए अभी हमारी फोटो जो काफ़ी कमाल की हो चुकी है अभी, तो बट अभी और भी काम हमारा रह रहा है इसमें। तो अभी क्या करेंगे हम गाइस ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं एक लाइट का पीएनजी दूंगा, ठीक है, ये वाला। तो ये लाइट का पीएनजी आप सभी को लगाना है यहाँ पे, जो पहले इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, एंड इसको हम जूम करेंगे फोटो को, एंड फोटो को जूम करने के बाद कुछ इस टाइप से हम अपने हेयर के पास कुछ इस टाइप से लगाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा पतला कर लेते हैं, एंड यहाँ पे लगा के एंड हेयर के पास लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप से आप सभी को हेयर के पास एंड शोल्डर के पास लगा देना अपने दोनों, जो कि मतलब ये मून है वो उसके रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर भी पड़नी चाहिए, इसलिए आप थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैंने पीएनजी दिया आप सभी को, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसकी थोड़ी थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेनी है इन तीनों की, ठीक है। तो आप सभी को ओपेसिटी कम कर लेनी है इनकी, एंड मैं यहाँ पे हल्के हल्के ओपेसिटी कम करके एंड यहाँ पे कर देते डन, ठीक है। तो गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी को अब इसमें थोड़ा सा ना फोटो का जो मॉडल है उसको थोड़ा सा फेस स्मूथ कर लेता है मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को स्मूथ वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ से ब्रश पर क्लिक कर देना आप सभी को, ठीक है। ब्रश पर क्लिक कर देने के बाद आप सभी को सिंपली फोटो को जूम करना है एंड फेस पे स्मूथ कर देना है, ठीक है। स्मूथ पे मतलब कि फेस है जो उस पर वहाँ पे पेंट कर देना, जहाँ जहाँ पे आपको स्मूथनेस चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम पेंट कर लेते हैं कुछ अच्छे तरीके से बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है इसकी ओपेसिटी ज़्यादा भी हो जाती है कम भी हो जाती है, तो वो आप अपना मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इतना स्मूथनेस बहुत, तब यहाँ पे डन करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से अभी जो ऊपर है इसको पहले मैं कट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे टूल्स में जाना है, फिर एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको जो इसकी ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड इरेजर टूल में जाना है, फिर यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, एंड उसके बाद आप सबको ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके एंड पूरी बॉडी के ऊपर डोजन बन करना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप सबको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो एंड उसकी ओपेसिटी जो है अराउंड आप सबको कुछ 10 तक रख लेनी है, एंड उसके बाद जो थोड़ा एरिया इधर रह गया तो मैं उसको इरेज कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पे कर देने के बाद यहाँ से कर लेते हैं हम डन, ठीक है। तो उसको हम 10 तक अमाउंट रखेंगे एंड डन कर देते हैं। एंड उसके बाद हम अगेन जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम थोड़ी सी ब्राइटनेस ऊपर इधर बढ़ा देंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश के साथ उसको क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम थोड़ा फेस के ऊपर भी डोजन बन कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को भी ऐसे कर लेना कुछ एंड ऐसे दो नोज के ऊपर आगे उसको इरेज कर लेते हैं। इसका जो अमाउंट है आप सभी को अराउंड 8 तक रखना है एंड यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा इतना काम तो हो चुका है, अब आप सभी को एक बार और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को जो है थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं एंड जो सेचुरेशन है हम इसको भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, है ना। सेचुरेशन हम थोड़ा अराउंड 3-5 तक कुछ बढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पे डन करते हैं एंड अब हम करेंगे इसमें कलर क्रिएशन। तो इसको हम पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड यहाँ से चलते हैं बैक एंड लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार मतलब भाई आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो, यार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को उसका रिटर्न भी मिल रहा है। तो यार प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है तो हम इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो गाइस कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है आप सभी को उसको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका हाईलाइट है इसको आप सभी को इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद जो थोड़ा सा कम कर लेते हैं हाईलाइट। एंड उसके बाद हम इसके जो शेडो है इसको थोड़ा सा ना मतलब कि इसको हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो व्हाइट है इसको हम थोड़ा सा माइनस प्लस में रख लेते हैं एंड उसका जो ब्लैक इसको तो माइनस में रखना है, ठीक है, ब्लैक को माइनस में ही रखना है। ओके गाइस तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना नीचे वाले टूल कलर्स में, फिर वाइब्रेशन को आप सभी को बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को आपको माइनस में कर देना है थोड़ा सा, ताकि ब्लू टोन आ जाए हमारी फोटो में, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना मिक्स में, कलर्स मिक्स में। एंड उसके बाद आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है, अराउंड कुछ 29 तक माइनस कर देना है। ल्यूमिनस को बढ़ा देना है क्योंकि यार फेस में जो है हमारी ब्राइट नहीं है, ठीक है, तो ल्यूमिनस को मैं बढ़ा देंगे। एंड इसके बाद हम येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ह्यू को थोड़ा सा छेड़ेंगे ताकि जो हमारे फेस में थोड़ा ऑरेंज टोन आ जाए। एंड ब्लू कलर में जाएंगे एंड चाहो तो आप इसको स्काई ब्लू भी कर सकते हो, ठीक है, ब्लू कलर में जाके आप इसका स्काई ब्लू भी कर सकते हो। बाकी हम ह्यू थोड़ा माइनस में कर देंगे, सैचुरेशन को प्लस कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद जो फोटो की क्लियरिटी हम सभी आप सभी को उसको थोड़ी सी बढ़ा देनी है, ठीक है, अराउंड 12 तक। एंड उसके बाद जो फोटो में विगनेट डालना है, ठीक है, अराउंड 12 माइनस, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ग्रेन अमाउंट में एंड इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है ग्रेन अमाउंट को। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो नॉइस रिडक्शन है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है आप सभी को, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर नीचे स्क्रॉल कलर उधर कलर नॉइस रिडक्शन देखिएगा तो आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस देखिए फाइनली जो है हमारी फोटो का रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है हमने फोटो एकदम परफेक्टली एडिट कर लिया है। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड यार अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड गाइस आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड और हाँ गाइस आप सभी के लिए मैंने एंड स्क्रीन में दो वीडियो लगा रखी है, ये दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी है एंड मेरे व्यूवर्स को अच्छी भी लगी है, ठीक है। तो अगर आप भी एक बार अगर फ्री हो तो प्लीज़ यार इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को चेक करना एंड अगर आप चाहते हो मेरे चैनल की कोई और वीडियो तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।